तो वेलकम टू पार्ट टू। एंड यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी रियलमी का मेरा जो डिवाइस है वो अपडेट होना शुरू हो चुका है। अभी देखते हैं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो रियलमी लिख करके आया है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मत कीजिएगा एंड आपका डिवाइस जो है वो 50% से ऊपर चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, देखते हैं अभी क्या होता है। थोड़ा अपडेट होने दे दे इसे। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ देखने मिल जाती है। ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, नीचे बस ऐसा अपडेटिंग का ऑप्शन दिखा रहा है। पीछे तो अपना ही रियलमी 3 प्रो है। देखते हैं अभी क्या होगा, थोड़ा रिस्क वाला काम है। मैंने जैसा आपको पहले ही बता के रखा है कि डेटा रहेगा नहीं रहेगा मेरे को भी नहीं पता, लेकिन अपन कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम वापस एंड ये पार्ट टू है जैसा आप सभी को पता है। एंड यहाँ पे है अपना रियलमी 3 प्रो। अब खुशी तो इस बात की है कि रियलमी 3 प्रो जो है वो अपडेट हो चुका है यहाँ पे, लेकिन फाइल्स रहेगी या नहीं रहेगी, फोटोज़ रहेगी या नहीं रहेगी वो नहीं पता, तो वो देखना है बेसिकली पहले तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, सीधा बढ़ते हैं मोबाइल के स्क्रीन में। एंड टेलीग्राम वाला चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम वाला चैनल ज्वाइन कर लो। ये वाला जो चैनल है अपना भूषण रेड यूट्यूब वाला, इसे भी सब्सक्राइब कर लो। चलिए सीधा बढ़ते हैं मोबाइल के स्क्रीन में। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन में। मैं सबसे पहले तो इसको निकाल दूँ यहाँ से। एंड ये देखिए इसे हमने हटा दिया है, ठीक है। एंड ये अपना जो डिवाइस है पूरी तरीके से यहाँ पे ऑन हो चुका है, रियलमी 3 प्रो। जैसा भी आप देख सकते हो गाइज़, यहाँ पे जो है ऐसे स्क्वायर स्क्वायर टाइप में आपको ये देखने मिल रहे होंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा स्क्वायर है एंड साइड पे ऐसे थोड़ा सा सर्कल शेप है, स्क्वायर एंड सर्कल ऐसे दोनों मिक्स करके ये बक्सेस में आपको ये सब चीज़ें देखने मिलती है यहाँ पे। अपडेट क्या क्या हुआ है, तो अपडेट से पहले तो गाइज हमारा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारे फाइल्स है या नहीं। तो ये हमने फ़ोटोज़ ओपन कर लिया एंड यहाँ पे हम देखते हैं कितने फ़ोटोज़ हैं। थोड़ा तो देखिए 5539 और 628। अरे वाह गाइस, ये तो पूरे फ़ोटोज़ हैं हमारे, तो मतलब फ़ोटोज़ तो कुछ भी नहीं डिलीट हुए हमारे इसमें से, है ना। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, खुशी हुई मुझे ये देख करके कि फ़ोटोज़ कुछ नहीं डिलीट हुआ है। अब जाते हैं अपने फाइल मैनेजर में। तो ये देखिए गाइस, जैसा मैंने पहले बताया था, आपको दिखाया था मैंने उस वीडियो में, तो 6248 हमारे यहाँ पे फोटोज़ हैं, 786 वीडियोज़ है, 898 ऑडियो है, 119 डॉक्यूमेंट है, 3 APK, 6 RGU, 311 डाउनलोड। ये सेम टू सेम ही है जैसा लास्ट में था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए 114 GB आउट ऑफ 128 GB। तो जब हमने लास्ट में देखा था तो यहाँ पे कितना था पता है आपको, यहाँ पे था 120, अभी ये 114 है, मतलब यहाँ से लगभग 6 GB गायब हो चुके हैं। तो अभी एग्जैक्टली वो कौन से चीज़ के थे 6 GB, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि 6 GB कौन सा डेटा गायब हुआ है मेरा। एंड नीचे की ओर देखिए, यहाँ पे भी फ़ोन स्टोरेज जो है ना वो 14.1 GB बता रहा है अभी, पहले कितना था वो, पहले था 8.11, ठीक है ना। तो 8 था, मतलब 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ से भी 6 GB गायब हो चुके हैं एंड यहाँ से भी गाइस 6 GB गायब हो चुके हैं। अब ये कौन से चीज़ के 6 GB गायब हुए हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, तो वो तो अभी जैसे ही हम वीडियो में आगे आगे बढ़ेंगे ना आपको बताऊंगा मैं। लेकिन जो अपडेट है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो सबसे पहले तो देखते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में देखो हम आ चुके हैं अभी। मेरा इंटरनेट फ़िलहाल के लिए तो अभी यहाँ पे बंद है दोस्तों, तो मैं इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ अभी। इसका पूरा वीडियो तो मैं जल्दी ही चैनल पर लेके आऊँगा पूरा, मेरे को एक बार थोड़ा समझ लेने दो किधर क्या है वो सब चीज़ें। लेकिन मेरे को बेसिकली इस वीडियो में आपको ये बताना था कि अगर आप ऐसा करते हो, मतलब बिना कोई बैकअप लिए अगर आप इसे कर देते हो अपडेट, तो कुछ यहाँ पर आपको चेंज देखने मिलते हैं या नहीं मिलते। तो देखिए फ़ोन मतलब सब डेटा तो वैसे का वैसा ही है मेरा, कुछ डेटा मेरा गायब हुआ नहीं है इसमें। एंड यहाँ पे ये देखो अपना वर्जन देखो, एंड्रॉयड 11, ये देखिए एंड्रॉयड 11 पे अपडेट हो चुका है मेरा डिवाइस। मस्त लग रहा है अभी मेरे को। अब मैं इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखता हूँ क्या क्या इसमें अपडेट है क्या नहीं। इंटरनेट वगैरह भी हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। एंड्रॉयड 11 ये देखिए जून 5, 2021 यहाँ पे लिख करके आया है एंड्रॉयड 11, कंफर्म कर लेते हैं। एंड्रॉयड 11 पे क्लिक करके देखता हूँ मैं कुछ होता है क्या। अरे भाई साहब ये देखिए एंड्रॉयड 11 पे हम लोग अपडेट हो चुके हैं, यही तो चाहिए था मुझे। अरे वाह, ये पता था क्या आपको? नहीं ना, मैंने बताया ना आपको, थैंक यू बोलो, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दो तो मेरे को पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 11 लिख के क्या है। तो भाई हमारा डिवाइस जो है वो एंड्रॉयड 11 पे अपडेट हो चुका है। तो अभी आप मुझे अगर पूछोगे कि हमने अगर बैकअप नहीं लिया तो ले सकते हैं क्या,
तो देखो भाई, मैं तो बोलूँगा कि हाँ आप कर सकते हो विदाउट बैकअप भी सीधा अपडेट, लेकिन फिर वो रिस्की वाला काम होगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रिस्क होती है। एक तो आपका डेटा जाएगा, नहीं तो आपका डेटा रहेगा। अभी मेरा डेटा गया नहीं, मेरा डेटा पूरा का पूरा वैसे ही था। तो यहाँ पे तो है, मतलब बिना कोई टेंशन के मेरा पूरा का पूरा डेटा वहाँ पे था। जो मैंने बताया कि वो 6 GB थोड़ा बहुत गायब हो चुका है, लेकिन वो 6 GB कौन सा है वो भी हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे ढूंढ लेंगे, ठीक है। एंड अभी रही बात पूरे अपडेट के बारे में, पूरी जानकारी अगर आपको देता हूँ मैं, ठीक है, तो उसके लिए तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपके लिए स्पेशल डेडिकेटेड वाला वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में मेरे को आपको बस यही बताना था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का यही क्वेश्चन था किस तरह से होगा अपडेट, जगह नहीं है स्टोरेज की वगैरह। तो आई होप अभी आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से होता है ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, मैंने बस आपके लिए यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर रहा है, एंड आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट में मैं आ चुका हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी थोड़ा मैं इसे बस फोकस कर लूँ, योर सिस्टम विल अपग्रेड टू रियलमी यू आई 2.0 एंड्रॉइड एंड्रॉइड 11। तो अपग्रेड हो चुका है मेरा सिस्टम, देखा। तो अभी ये पूरा जो है ना, इसके बारे में मैं अभी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड मैं आपको कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना यहाँ पे मेरा काम होता है, इसलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। एंड अगली वीडियो में मैं पूरा आपको इसके बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैं आप सभी को मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड टेलीग्राम वाला चैनल भी ज्वाइन कर लेना।